नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसमें तीन पेपर होते हैं बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री के। जैसे कि आपने बीएससी सेकंड ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने देखा था केमिस्ट्री के तीन तीन पेपर हो रहे थे, इसमें भी तीन पेपर ही होते हैं। पहले चैप्टर, पहला जो पेपर होता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, दूसरा जो पेपर होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, और थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। तो पहले पेपर के बारे में हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार यूनिट दी हुई हैं, चारों में अलग अलग पेपर हैं, चैप्टर्स हैं। पहले यूनिट के बारे में देते हैं, यूनिट वन में तीन चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं, ब्लॉक टी को कहते हैं, डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज। इसमें पहली ट्रांजिशन सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के बारे में रसायन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा चैप्टर जो होता है वो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का अध्ययन, रसायन अर्थात ब्लॉक डी के जो दूसरी श्रेणी है उसमें पाए जाने वाले सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, अर्थात इसमें तीसरे नंबर की जो श्रेणी है ब्लॉक डी में, तीसरे नंबर की जो लाइन है उसमें हम जितने एलिमेंट हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है यूनिट सेकंड में क्या है कि एक चैप्टर है उपसह संयोजक यौगिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो यूनिट आती है थर्ड यूनिट में जो दो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे थर्ड यूनिट में, और एक्टिनाइड एलिमेंट्स के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, उनके रसायन केमिस्ट्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर में जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में अध्ययन करना है, अम्ल और क्षार के बारे में हमें अध्ययन करना है, और अजलीय विलायकों के बारे में हम अध्ययन करना है। तो तीन चैप्टर ये हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके बाद आता है पेपर सेकंड में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चार यूनिट दी हुई है। पहले यूनिट में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या फिर कह सकते हैं इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। यूनिट सेकंड में अल्कोहल और फिनोल के बारे में हमें अध्ययन करना है, और यूनिट थर्ड में ईथर और एपॉक्साइड के बारे में तथा एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में अध्ययन करना है। और यूनिट फोर में जो तीन चैप्टर दिए हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अध्ययन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन हमें सेकंड चैप्टर में करना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें देखने हैं वो किसमें देखने हैं, चैप्टर नंबर थ्री में देखने हैं। यूनिट नंबर फोर में नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। इसके बाद आता है पेपर थर्ड जो है वो क्या कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पहली चार यूनिट दी हुई है, पहली यूनिट में हमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ऊष्मा गतिकी के बारे में सिद्धांत और उनके बारे में सब अध्ययन करना है, ऊष्मा गतिकी के बारे में प्रथम यूनिट में अध्ययन करना है। यूनिट सेकेंड में साम्यावस्था, रासायनिक साम्य के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद आता है यूनिट थर्ड में वैद्युत रसायन के बारे में हमें अध्ययन करना है, जिसमें दो चैप्टर दिए गए हैं, वैद्युत रसायन फर्स्ट, वैद्युत रसायन सेकंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ यूनिट में हमें सॉल्यूशंस के बारे में, विलयन के बारे में अध्ययन करना है, और दूसरा इस चैप्टर है फोर्थ यूनिट में दूसरा चैप्टर है फेज इक्विलिब्रियम, प्रावस्था साम्य के बारे में हमें अध्ययन करना है। इस प्रकार जो है हमें चार यूनिट इसमें पढ़नी है, चार चार यूनिट तीनों पेपरों में पढ़नी है।
और ये बीएससी थर्ड ईयर का हमने सिलेबस बताया केमिस्ट्री का, जूलॉजी का और बॉटनी का भी हम सिलेबस इसी प्रकार फुल सिलेबस डाउनलोड कर देंगे, वीडियो बनाकर डाउनलोड कर देंगे। आपको मेरी वीडियो अगर सही लग रही हो, सही समझ में आ रही हो, तो आप क्या करें कि इसे लाइक जरूर कर दें और अपने साथियों का सिलेबस को शेयर कर लें, ठीक है। और मेरे पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी बीएससी की सभी वीडियोस जो भी मैं इसमें डाउनलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप उसे तुरंत उसे देखें, लाइव क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकें। तो लाइव क्लास के लिए जो ज्वाइन करने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए, इसलिए आप क्या करें कि सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस डाउनलोड के वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।